भी इसके बाद कोई नया चेहरा ही खोजना पड़ेगा। तुम्हें दर्द दिया तुम्हें दवा देना। चले चले, तो दर्द जो देता है वही दवा देता है, कोई और नहीं देता। मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। योजनाओं से लेकर जगहों तक के नाम बदलने की सियासत मध्य प्रदेश में रुक रुक कर परवान चढ़ती रही है, वहीं अब एक बार फिर नाम की राजनीति शुरू हो चली है। दरअसल गुरु नानक जयंती पर विधानसभा के प्रोटम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सरकार से ये मांग की कि ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक टेकरी किया जाए। उनके मुताबिक औरंगजेब और होशंगशाह तो कलंक है, लुटेरों के नाम से शहरों को क्यों पुकारा जाए। रामेश्वर शर्मा ने होशंगाबाद का नाम बदलने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि होशंगाबाद को नर्मदापुर कहा जाना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप खुद सरकार में हैं तो मान क्यों करना, जो बदलना है बदल दें। सवाल यह भी है कि प्रदेश में बीजेपी ने लगातार 15 साल शासन किया और एक बार फिर सत्ता में है, ऐसे में लुटेरों के नाम हटाने में देरी क्यों हो रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि महज नाम बदलने से क्या सब कुछ बदल जाएगा, विकास में तेजी आ जाएगी। आज इसका जवाब तो हम जानेंगे ही, साथ ही आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां विपक्ष के सियासी सवालों के बीच भूपेश सरकार ने धान खरीदी की शुरुआत कर दी है। बीते साल हुई खरीदी में समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का पूरा भुगतान किसानों को नहीं हुआ है। ऐसे में जब सरकार ने इस साल की खरीदी शुरू की है तो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, जो वाजिब भी है। विपक्ष पूछ रहा है बारदाने की कमी से जूझती सरकार धान खरीदी की प्रक्रिया को कैसे बहाल रख पाएगी। सरकार की खरीदी की नीति से क्या किसान खुश है। बीजेपी के सवालों से इतर एक बड़ा सवाल यह भी है कि चुनौतियों के बीच भूपेश सरकार किसान हितैषी सरकार होने का गौरव आखिर कैसे बचाएगी। आज इस पर विस्तार से बात होगी। जनता मांगे जवाब के आज के मुद्दे धान करेगी धन्य। तो छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी भले ही शुरू हो गई है, लेकिन सरकार बारदाने की भारी कमी से जूझ रही है। सरकार ने केंद्र से करीब 4,75,000 गठान यानी बारदाने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने इसमें भारी कटौती कर दी। केंद्र ने राज्य को 3 लाख बारदाने उपलब्ध कराने पर हामी भरी थी, वहीं जब देने की बारी आई तो राज्य को महज 1,45,000 बारदाने ही मिल पाए। सरकार ने कहा है कि बारदाने की व्यवस्था में वक्त लगा, लिहाजा धान खरीदी शुरू होने में देरी हुई, लेकिन विपक्ष इसके अलावा भी कई और सवाल खड़ा कर रहा है। अब ये सवाल कितने वाजिब है और सबसे अहम यह है कि क्या सरकार बिना किसी बाधा के प्रदेश में धान खरीदी का एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। आइए इसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। रायपुर के पास कुम्हारी के धान खरीदी केंद्र पहुंचकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ में साल की धान खरीदी का आगाज किया। प्रदेश के कुल 2,305 केंद्रों पर धान खरीदी की शुरुआत हुई है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए अब की बार 21,29,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। बीते 2 साल में राज्य में धान का रकबा 19,36,000 हेक्टेयर से बढ़कर 22,68,000 हेक्टेयर पहुंच गया है। पिछले साल की तुलना में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी बढ़कर 6,32,000 तक पहुँच गयी है। इस साल हुई अच्छी बारिश से सरकार अनुमान लगा रही है कि प्रदेश में धान की पैदावार बढ़ेगी, जिससे खरीदी प्रभावित हो सकेगी। सरकार को ज्यादा धान खरीदना पड़ेगा। हालांकि सरकार कहती आई है कि किसानों के धान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। भूपेश सरकार ने इस साल लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है।
बीते साल करीब 82 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। पूरे प्रदेश में हमारी तैयारी पूरी है और किसी प्रकार की दिक्कत किसी भी किसान को नहीं होगी। जब से भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के मुखिया बने हैं तो एक के बाद एक लगातार किसानों के पक्ष में काम कर रहे हैं। कर्जा माफी, 2500 रुपया में धान खरीदी। सरकार की धान खरीदी की नीति पर विपक्ष शुरू से ही विरोध करता आया है। ऐसे में साल की खरीदी भी सियासत की नींव पर शुरू हुई। बीजेपी ने धान खरीदी में देरी के साथ ही बारदाने की कमी और धान अंतर की राशि की चौथी किस्त नहीं मिलने समेत कई बातों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है कि न तो इस सरकार ने पर्याप्त मात्रा में बारदाने की व्यवस्था की है, न ही किसानों को टोकन प्राप्त हो रहा है। अर्थात एक बार फिर से इस 1 दिसंबर के बाद से जब तक धान की खरीदी होगी इस छत्तीसगढ़ का किसान लगातार परेशान होगा। धान खरीदी की प्रक्रिया के दौरान विपक्ष की नजर सरकार की खामियों पर होगी। बीजेपी के तमाम नेता खरीदी केंद्रों की निगरानी भी करते रहेंगे। अब ऐसे में पहले से चुनौतियों का सामना कर रही भूपेश सरकार सभी किसानों का पूरा धान खरीद पाएगी या नहीं, देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से सुप्रिया पांडे की रिपोर्ट। तो धान खरीदी धन इस मुद्दे पर चर्चा करने का रायपुर से हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमर भगत जी। महासमुंद के बीजेपी विधायक चुन्नीलाल साहू जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार के एस सैनी जी हमारे साथ हैं, साथ ही फोन लाइन पे हमारे साथ आशीष जी भी हैं। सर चुन्नीलाल जी आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सैनी जी आपका भी स्वागत है। चुन्नीलाल जी, विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि भूपेश सरकार धान नहीं खरीद रही, आज से शुरू हो गई, क्या बधाई देंगे आप भूपेश जी को? बधाई क्या दूंगा, बदहाली है। महासमुंद जिला में जो बदहाली मैंने आज देखा जी, कि थोड़ा विकास खंड के 3 खरीदी केंद्र में शुरुआत नहीं हुआ है। अमरजीत भगत जी को बताना चाहूंगा जी, सरकारा सहकारी सभा में इनको जमीन नहीं मिली है जी। किसानों के द्वारा 400 ट्रैक्टर मुरम डाल के खरीदी केंद्र को घेरा किया गया है, उसमें ना खरीद करके ये सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई है। आरंगी धान खरीदी केंद्र जो पहले से सदा दिन से चलते आई है उसको बंद करके 12 किलोमीटर दूर चली गई है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान घेराबंदी कर दिए है, किसान धान को रोड में डंप कर दिए। वहीं यहां पर किशनपुर जो सोसाइटी है, ऐसे अनेक मैं बता रहा हूं, बागबाहरा में 150 किसान वनाधिकार पट्टाधारी धरने पे है। मतलब एक प्रकार से ये अव्यवस्था की आलम चारों तरफ है। लेकिन शुरुआत तो हो गई है ना? शुरुआत मैं बता रहा हूँ, 3 मेरे महासमुंद जिला के पिथौरा विकास खंड के 3 धान खरीदी केंद्र में आज टोकन नहीं कटा है, शुरुआत नहीं हुई है। किसको शुरुआत कहेंगे? आपके समय भी जब आपकी सरकार थी तो इस तरह थोड़ी बहुत अव्यवस्था उस समय भी रहा करती थी। थोड़ी बहुत नहीं कहा जाएगा, थोड़ी बहुत ही, किसको थोड़ी बहुत नहीं कहेंगे जी। आज वनाधिकार सरकार बोलती है कि हम गरीबों की हित में काम कर रहे हैं, आदिवासियों के। मैं अमरजीत भगत जी से कहना चाहूंगा, गरीबों को जो वन अधिकार पट्टा मिला है, आप नोट कीजिए, गरीबों को जो वन अधिकार पट्टा मिला है उनकी पंजीयन निरस्त कर दी गई है। बागबाहरा विकास खंड में 150 किसान विगत 4 दिन से धरने पे है डीएम कार्यालय में। अनेकों जगह जो वन अधिकार पट्टाधारी गरीब किसान जो 1 एकड़ 2 एकड़ के, उनकी पंजीयन निरस्त कर दी गई है। विगत 15-17 साल से वो धान बेचते आए हैं, 200 साल से धान बेचते हैं। आखिर आज क्या कारण है कि उनके पट्टा निरस्त की गई? देखिए आपके समय भी जब आपने आप गलत मत पूछिए ना आप, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपको ज्ञान होनी चाहिए। वन अधिकार पट्टा लोगों को जीवन यापन के लिए दिया जाता है जी। वन अधिकार पट्टा जीवन यापन के लिए दिया जाता है, इससे धान खरीदी का क्या लेना देना? कहाँ बेचेंगे धान आप बताइए, उस जमीन में कहाँ बेचेंगे धान आप बताइए, मेरे को लेना देना की बात कर रहे हैं आप? धान वहां बेचेंगे जहाँ धान खरीदी केंद्र होगा। निरस्त कर दी गई है पंजीयन, और कहाँ बेचेंगे, निरस्त कर दी गई है। ये कुछ पूरक कुछ अपवाद हो सकते हैं चुन्नीलाल जी, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अपवाद नहीं, कानून है भैया। आपके जो भुइया जो इनके जो सॉफ्टवेयर है उसमें है कि लोड नहीं है, निरस्त कर दी गई है। आज 2 किसान मुझे मिले, 1 का 3.5 एकड़ काटा गया है, 1 का 10 एकड़ काटा गया है, 1 का 2.5 एकड़ काटा गया है। 2.5 एकड़ एक किसान है, मैं बता रहा हूँ, कमोरा ग्राम का, जो क्रांतिकारी ग्राम है, जो आजादी की लड़ाई लड़ा गया था, उस गांव के हेमलाल नामक किसान का
10 एकड़ राजस्व भूमि को पंजीयन ही नहीं किया गया है। एक कुंवर भाई है जो देवरी पिथौरा विकास खंड की है, जो 2013 से उसका नाम पंजीयन धान बेचती आई है, उसका नाम ही गायब है। वैसी एक पिथौरा के ताकागढ़ का किसान के 2.5 एकड़ पंजीयन गायब है, किसको बोलेंगे शुरुआत सही तरीका से, बताइए आप। मतलब आपका कहना यह है जो कि 21,29,000 जो सरकार बता रही है कि पंजीयन हुए हैं किसानों के धान बेचने के लिए, वो गलत है। पंजीयन देखो हर साल बंटवारा बटांकन होता है, परिवार में विभाजित होता है, परिवार में विभाजन का तो संख्या बढ़ेगा स्वाभाविक रूप क्या बढ़ेगा सिंचाई, और उसके बाद किसानों की क्षमता भी बढ़ेगी। आप जो पंजीयन काटा जा रहा है, जो सदा दिन से जमीन बेचते आए हैं, उनका क्या होगा जो काटा गया उनका? चलिए अमरजीत जी हमारे पास जुड़ नहीं पाए हैं अभी हमारे साथ, नहीं तो हम उनसे उत्तर ले लेते, जल्द ही जुड़ेंगे। लेकिन जैसे आप ही चला रहे हैं जी, लेकिन उनसे अभी उत्तर ले लेंगे, अभी हम तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पाए। आप ऐसा नहीं पूछा जाता ना, कैसा आपको जानकारी होनी चाहिए कि वनाधिकार पट्टा गरीबों को क्यों, आदिवासियों को क्यों दिया जाता है। सुन्नीलाल जी मैंने आज वन अधिकार और इस पट्टे पे मैंने खूब काम किया है। अच्छा किया है, काम किया, लेकिन ज्ञान होनी चाहिए आपको, वन अधिकार पट्टा धान कहाँ बेचेंगे? वन अधिकार पट्टा अगर उन्होंने धान पैदा की है तो कहाँ बेचते रहे हैं अभी तक? सोसाइटी में बेचते रहे हैं। तो सोसाइटी में बेचेंगे, पंजीयन निरस्त कर दिया ये कहिए ना। पंजीयन निरस्त किया गया है मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ तो पंजीयन निरस्त किया गया है तो सोसाइटी में नहीं बेच सकते हैं। वन अधिकार पट्टा मध्य प्रदेश में भी दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में दिया जाता है, वन ग्राम मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में समाप्त हो चुके हैं जी। 15 साल 16 साल 17 साल उसमें धान खरीदी गई है, पिछले साल भी भूपेश सरकार ने खरीदी है। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि वन अधिकार पट्टाधारियों को निरस्त किया जा रहा है? ये कहिए कि निरस्त किया जा रहा पंजीयन, वन अधिकार पट्टे का ज्ञान की बात मत करिए आप। वन अधिकार पट्टे का ज्ञान मुझे भी मालूम है कि आदिवासियों को वनों में पट्टा दिया जाता है उनके जीविकोपार्जन के लिए। सवाल ठीक रहा ना आपका? सवाल ठीक नहीं रहा। सवाल ठीक नहीं है मतलब? आपने कहा कि कहाँ बेचेंगे वन अधिकार पट्टा केंद्र, मैंने कहा कि वन अधिकार पट्टाधारी किसानों का पंजीयन निरस्त कर दिया। हाँ निरस्त कर दिया उनका तो ठीक है, वो निरस्तीकरण की बात है ना, बेचने तो सोसाइटी में ही जाते हैं, धान खरीदी केंद्र में ही जाते हैं ना। सोसाइटी केंद्र में जब निरस्त है पंजीयन ही नहीं हुआ तो कहाँ बेचेंगे? अब ये अलग बात है, ये तो अमरजीत जी बताएंगे कि पंजीयन हुआ, क्योंकि पक्ष से कोई है नहीं, विपक्ष में आप बर है कि कहाँ बेचेंगे, कितने पट्टे हैं। उसके साथ में धरने पे हूँ, इसीलिए तो मैंने पूछा आपसे कि क्या 21,29,000 जो पंजीयन हुआ है वो गलत हुआ है। सरकार ये बोल रही कि 6 लाख से ज्यादा इस बार नए किसानों ने पंजीयन कराया है, वो गलत है क्या? आपको बताना चाहूंगा, मेरे परिवार में 3 सदस्य बढ़े जी, मेरे परिवार में बटांकन हुई है, मेरे गाँव में बटांकन हुई है, तो संख्या तो बढ़ेगी ना दिनों दिन। एक साल में 6 लाख बटांकन बढ़ेगा, एक साल में 6 लाख को ये तर्क देना थोड़ी ठीक है कि इतना संख्या बढ़ गया। आप धान खरीदे, आज 75 दिन धान खरीदा जाता था, आप 61 दिन कर दिए धान खरीदी को, क्या 35 दिन कार्य में आप धान खरीद लेंगे क्या? सरकार का आरोप है कि बारदाना उपलब्ध नहीं कराया आपने, उन्होंने 3 लाख की डिमांड की थी, आपने 1,45,000 मैट्रिक एक व्यवस्था करने का पूरी बारदाना व्यवस्था करने का कार्य राज्य सरकार की है। बारदाना हमेशा केंद्र से डिमांड की जाती है, केंद्र देता उपलब्ध कराता है बारदाना। राज्य सरकार भी पूरी व्यवस्था करती है, राज्य सरकार व्यवस्था करने में असफल रही है, राज्य सरकार झूठ मिल से बात नहीं की समय पे। सुनीलाल जी जो सरकार ये कह रही है वो ये कह रही है कि हमने 3 लाख की हमने 4 लाख की डिमांड की थी, आपने 3 लाख देने का बारदाना मैंने स्वीकृति दी थी केंद्र सरकार ने, लेकिन जब देने की बारी आई तब 1,45,000 टन ही दिया मैट्रिक टन। सरकार की क्या तैयारी है फिर इसमें? तो बारदाना तो भैया केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है ना, राज्य सरकार अपनी तरफ से जो करेगी करेगी। पूरा चावल खरीदे के पैसा भेजे है केंद्र सरकार ने, पैसा देने का काम करते हैं केंद्र सरकार, यदि पैसा दिया तो इनको झूठ मिल से बात करनी चाहिए। चलिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया नहीं दिया इनसे पूछ लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही? सुरेंद्र जी मेरी आवाज आ रही? जी नमस्कार नमस्कार। सुरेंद्र जी हमारे साथ चुन्नीलाल जी हैं, सांसद भाजपा के, उनका कहना है
कि बारदाना राज्य सरकार का बंदोबस्त करने का काम है। हमने उनसे सवाल किया कि केंद्र सरकार ने 3 लाख मैट्रिक टन देने का वादा किया था, लेकिन जब देने की बारी आई तो 1,45,000 ही दिया। ऐसी स्थिति में चुन्नी लाल जी ने यह कहा कि वो उनकी जिम्मेवारी है राज्य सरकार की, क्या कहेंगे? अब देखिए, ये बात तो हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों का हित करना हमारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी को हम उठाएंगे जी। अब जहां तक तकनीकी प्रश्न है, जब केंद्र की सरकार 60 लाख टन चावल लेने की बात करती है तो उसी के बोरे पर उसको भर दिया जाता है जी। अब वो बारदाना को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हुआ करती है जी। इस साल कोरोना संकट के चलते हुए जो उद्योग है वो सब बंद रहे, जूट मिल भी बंद रहे, इससे प्रभावित होकर के जहां हमने 4,75,000 गठानों का मांग किया था जी, वहां पर 3 लाख गठान लेने का सरकार ने आश्वासन दिया जी, मगर अभी तक सिर्फ 1,44,000 गठान उपलब्ध कराया गया है जी। अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो किसानों की सरकार है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है। जो बारदाने उपलब्ध है उसके माध्यम से और जो पीजीएस में जो हमारे पुराने बारदाने हैं उसके माध्यम से, और हमारी सरकार ने भी यहां तक कह दिया कि आवश्यकता पड़ेगी तो प्लास्टिक के बारदानों में भी हम धान की खरीदी करेंगे। इस साल 2300 यहाँ सवाल यह है कि जैसा कि सरकार कहती रही है कि बारदाने हमें नहीं उपलब्ध करा पाए, इस कारण हम धान खरीदी में देरी हुई है, तो आप अगर उन्होंने हामी भरी थी, जितना कहा था बारदाना उपलब्ध कराने के लिए, गठान उपलब्ध कराने के लिए, उसका आधा कराया है, ऐसी स्थिति में आपने क्या व्यवस्था की है? ये सुनील लाल जी पूछ रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें विलंब इसीलिए हुआ ना जी, सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने तो जूट के माध्यम से हमको 3 लाख बोरा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था जी। अब जब हमने देख लिया कि केंद्र सरकार के यानी जूट की बोरियों का आवंटन नहीं हो पाएगा, हाथ खड़े कर दिए जी, ऐसी परिस्थितियों में किसानों को उनके हाल पर तो नहीं छोड़ा जा सकता जी। तो सरकार ने अपनी व्यवस्था करना आरंभ किया और आज की तारीख में हमारे पास लगभग समझ लीजिए 3 लाख गठानों का इंतजाम है। कुछ जो केंद्र से आए 1,40,000 गठान, कुछ हमारे पुराने जो पीडीएस के बारदाने हैं, इन सबको मिला के लगभग 3 लाख गठानों का इंतजाम हो चुका है जी, इससे धान खरीदी शुरू की गई है जी। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इन सब परिस्थितियों को हम संभाल लेंगे और धान खरीदी अनवरत जारी रहेगी और किसी किसान को किसी किस्म की तकलीफ न हो। इस बात के लिए सरकार ने टोकन को भी 1 की जगह 5 कर दिया है आरंभिक स्थिति में। लेकिन चुन्नी लाल जी हमारे साथ हैं सुरेंद्र जी, उन्होंने अभी कहा है कि किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा है। 75 दिन को 61 दिन क्यों किया गया है भाई? 75 को 61 दिन इसलिए किया गया है कि हम 75 दिन को 61 दिन में धान खरीदी कर सकते हैं। 35 दिन खरीदा जाएगा, बाकी छुट्टी का दिन है, 35 दिन ही खरीदा जाएगा। आप देखिए शनिवार रविवार को बंद रहता है। 42 दिन धान खरीदी की जाएगी, 42 दिन के हिसाब से पूरी व्यवस्था है, आप निश्चिंत रहिए। 2 साल से सरकार धान खरीदी कर रही है, हम 83.94 लाख टन धान की खरीदी पिछले साल कर चुके हैं, इस साल 90 लाख टन धान की खरीदी करेंगे। साहू जी आप चिंता मत करें, छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है और किसानों का किसी तरह से हित नहीं होने देगी कि अंग्रेज छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश जी के नेतृत्व में इन केंद्रों में इस साल आज शुरू नहीं हो पाई है महासमुंद जिला की। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ सोसाइटियों का विभाजन हुआ है, अब विभाजन नहीं है, पुरानी बंद कर दी गई है पुराने केंद्रों की। सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी समस्याएं थी, 27 तारीख से टोकन आवंटन। सुनील लाल जी आप सवाल कर लीजिए, सवाल करने के बाद उनका उत्तर आने दीजिएगा, दूर बैठे हैं वो, अगर आप बीच में कहेंगे तो ना सुनाई पड़ेगा आपका प्रश्न न उनका उत्तर। शर्मा जी, चुन्नी लाल जी ने अभी, आप नहीं थे, कई आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टा जिनको दिया गया था उनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया है, वो कहां धान बेचेंगे अब, ऐसे बहुत सारे, जिसी तरह उन्होंने कहा कि कई ऐसे केंद्र हैं जहां किसी को टोकन नहीं मिला है, इस तरह बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने गिनाई है। नहीं, मैं आपको सबको सबका लाइन से जवाब दे रहा हूँ। 27 तारीख से टोकन का आवंटन शुरू हुआ जी, कुछ सोसाइटियों का विभाजन किया गया है जी, और ऐसे स्थिति में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाया था तो 27 तारीख को थोड़ी बहुत कई दिक्कतें हुई जी, मगर 28 तारीख से लेके वो पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। आज मैं स्वयं कई
धान खरीदी केंद्र पे अभी होके आ रहा हूँ और वहाँ पर बिल्कुल सुचारू रूप से धान खरीदी का काम चल रहा है जी। वन अधिकार पट्टे वाले ग्रामों को ये आरोप बिल्कुल गलत है, उनको भी जिन लोगों ने धान बोया है उनको धान खरीदी हो चुका है। कलेक्टर महासमुंद से बात कीजिए ना, गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं कलेक्टर किसी पर्टिकुलर स्थान में किसी वजह से कोई दिक्कत होगी तो उसको आप बता दीजिए, उसको ठीक किया जाएगा। मगर आमतौर पर आ जाए, मैं ऐसे 50 गांव बता सकता हूँ जहाँ वन अधिकार पट्टे वाले गांवों को पंजीयन हुआ है और उनकी धान खरीदी जा रही है। जी सुनीलाल जी, मैं महासमुंद जिला की बात कर रहा हूँ भाई। आप भाई महासमुंद जिला की बात कर रहा हूँ, मैं तो पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। नहीं कहीं किसी पर्टिकुलर स्थान पर किसी वजह से कोई दिक्कत होगी तो उसके संबंध में आप स्वयं सांसद हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप पहल कर सकते हैं, उसको ठीक करा सकते हैं। मैंने डॉक्टर कमलप्रीत से भी बात किया है, मैंने कलेक्टर से भी बात किया है। नहीं आप बोल रहे हैं ना, मैंने बात किया पिछले साल खरीदा गया, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि अब वन अधिकार पट्टा के जमीन को पंजीयन नहीं किया जा रहा है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? नहीं ऐसा नहीं है कि जनरली वन अधिकार पट्टा के लोगों को पंजीयन नहीं किया जा रहा है, ये आरोप गलत है। वन अधिकार पट्टा वाले ग्रामों का भी पंजीयन हुआ है। नाम नोट कीजिए, नाम नोट कीजिए, मैं गांव का नाम बता रहा हूँ जी। आपने तो कलेक्टर को बताया, मैं कलेक्टर साहब से बात कर लूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, गलत बोल रहा है इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप नोट नाम नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको 400 गांव का नाम बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए जी। मैं तो बता रहा हूँ 5 गांव का नाम, जो वन ग्राम है आप जवाब देंगे। आप बताइए क्यों कट है, मैं महासमुंद जिला का बात कर रहा हूँ। सर सुरेंद्र जी हमारे साथ अमरजीत भगत जी भी जुड़ गए हैं, धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। अमरजीत जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अमरजीत जी जी नमस्कार जी, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आपको जी। चुन्नीलाल जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, चुन्नीलाल जी हमारे साथ हैं, वो कुछ बताना चाह रहे थे आपको कि कहां कहां खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी हो रही है, और खासकर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि वन अधिकार पट्टे जिनको दिए गए थे उनके पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं, वो नाम सहित बता रहे हैं गांव के। चुन्नीलाल जी संक्षेप में बताइए क्या है, अमरजीत जी सुन रहे हैं। अमरजीत जी को मैं बताना चाहूंगा, महासमुंद जिले की लगभग आज मेरी जानकारी में 150-200 किसान कमरिया सहकारी सोसाइटी बागबाहरा विकास खंड के अमरजीत जी जा चुके हैं, बिजराडीही जीवनगढ़ और जोगीडीपा और आपका कूटा दादर मोहंदा कसेकेरा, ऐसे गांव महासमुंद जिले के जहां के वन अधिकार पट्टाधारी हैं, उनको यह कहकर काटा गया है कि इनके नाम पे राजस्व भूमि है। मान लो आधा एकड़ पौन एकड़ उनका राजस्व भूमि है, उसी को रखा गया है 2-3 एकड़ छोटे छोटे किसान वन अधिकार पट्टाधारी है, उनकी पंजीयन को निरस्त कर दिया गया जी। अमरजीत जी ये सब आदिवासी गरीब लोग हैं, शासन चुन्नीलाल जी उनकी उनका उत्तर आने दीजिए चुन्नीलाल जी। जी देखिए शासन स्तर पे हम लोगों ने साफ निर्देश दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में निर्देश दिया है और सभी जगह जो वन अधिकार पत्र है उनका पंजीयन करना है और सबका धान खरीदी करना है। अगर कहीं पर इसमें कोई गेप आया है तो अगर हम संज्ञान में लेंगे और जरूर कार्रवाई करेंगे। अमरजीत जी मैंने मतलब जो आपने पंजीयन जो बताया है सरकारी तौर पे कि 21,29,000 पंजीयन किसानों के हो गए हैं, आप बोल रहे हैं इनका करना है, ये 21,29,000 से अलग और करेंगे कि उसी में है? ये 21,45,000 है किसानों की पंजीयन की संख्या जी, पंजीकृत किसानों की संख्या 21,45,000, और अगर किसी का किसी कारण से छूटा है जी, जो अगर प्रशासनिक कहीं पर कोई चूक हुई है जी, तो उसको हम दिखवाएंगे कलेक्टर को, हम अभी तुरंत संज्ञान में लेंगे और बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ है, किन कारण से हुआ है, और अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको ठीक करें। साथ ही चुन्नीलाल जी ये भी कह रहे हैं, एक बार फिर सवाल कर दीजिए चुन्नीलाल जी, कि किन खरीदी केंद्रों में टोकन नहीं बट पाए हैं? इसमें है पिथौरा विकास खंड के सड़कड़ा सहकारी समिति, आरंगी सहकारी समिति,
और एक है किशनपुर सहकारी संपत्ति समिति, यहां जमीन उपलब्ध नहीं करा पाए हैं धान खरीदी के लिए, तो वो ओपन नहीं कटा है जी। अमरजीत जी देखिए, अभी देखिए क्या है कि इस बार तो किसानों के संख्या में भी पंजे में इजाफा हुआ है, उनके क्षेत्रफल में भी इजाफा हुआ है, धान खरीदी केंद्र में भी हमने अभी तक का छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सबसे अधिक केंद्र हमने खोला है, और कई जगहों पे अगर प्रारंभिक तौर पे कोई तैयारी नहीं हो पाई होगी तो एक आध दिन में वो भी तैयारी हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि एक जो पुराने खरीदी केंद्र है उसमें तो समुचित तैयारी हो गई थी, नए केंद्र अभी बाद में लोगों ने मांग किया है, वहां कुछ जगह किया गया है, अगर कहीं पर इस प्रकार की कोई बात है तो कलेक्टरों को जवाबदारी दी गई है कि तत्काल उन खरीदी केंद्रों को प्रारंभ कराए और उसमें अगर किसी प्रकार की कमी हो उसको पूरा करें। चुनीलाल जी कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुराने केंद्र ही है, चुनीलाल जी यही है, पुराने केंद्र को बंद करके दूर में 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूसरी जगह खोले गए हैं पुराने केंद्रों को बंद करके। जी अमरजीत जी, इसमें इस बार जो 1300 समिति था उसको बढ़ा करके 2048 समिति कर दिया गया है, और कुछ नए धान खरीदी केंद्र बनाया गया है, तो ये कुल मिलाकर के 305 खरीदी केंद्र हो गए हैं, 23005 खरीदी केंद्र हो गए हैं। अब उसमें कहीं पर अगर कोई कमी आया होगा, जो नया विघटन हुआ है, कुछ नए खरीदी केंद्र बने हैं, काट करके दूसरे में मिलाया गया है, वहां पर किसी प्रकार का हो तो एक आधो दिन में सब ठीक हो जाएगा। चुनीलाल जी आप संतुष्ट हैं? यार पुराने केंद्र है बोल रहा हूँ, ये नया केंद्र नहीं है, ये पुराने केंद्र है, वो बता रहे हैं पुराने केंद्र को बंद किया गया है, पुराने केंद्र को बंद करके मैं चुनीलाल जी से यही मैं कहना चाहूंगा कि कहां पर क्या वो है, मेरे को आप एक ठो लिख करके फैक्स कर दी और व्हाट्सएप कर दीजिए, अभी मैं देखवा लूंगा और मैं तत्काल उसको ठीक करा लूंगा। चुनीलाल जी संतुष्ट है? महासमुंद कलेक्टर से ले लीजिएगा, भी तो अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी सब है, उनको सब पता, ज्ञापन चली जा चुकी है कि 4 दिन से किसान रोड पे है, धरने पे है। मैं ये बोल रहा हूं कि कोई नया खरीदी केंद्र बना है, पुराने खरीदी केंद्र के कुछ गांव को काट के नए खरीदी केंद्र में जोड़ा गया है, वहां अगर किसी प्रकार का विसंगति आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें उन खरीदी केंद्रों का, और क्या वहां पर दिक्कत है। चुनीलाल जी आप व्हाट्सएप कर दीजिए उनको, वो कह रहे हैं बार बार कि आप उनको जहां इस तरह की व्यवस्था है उसको लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक कर दिया जाएगा। हमको नंबर दे दें, हम बिल्कुल व्हाट्सएप कर देंगे। फिर नंबर तो मंत्री जी का मिल ही जाएगा साहब आपको, आप सांसद हैं, दे देते हैं, सांसद हैं आपको मंत्री का नंबर नहीं है। एक सवाल है मोहन जी से, फिर एक सवाल जी, क्योंकि वो आदिवासी चलिए विभाग के मंत्री पुराने विधायक हैं। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सॉफ्टवेयर में जिनका राजस्व भूमि है वन अधिकार पट्टाधारी, क्या वो नहीं बेच सकते, क्या उनका नाम काटा जाएगा? जी अमर जी नहीं, काटा किसी का नहीं जाएगा, काटा किसी का नहीं जाएगा, वन अधिकार पत्र का भी पंजीयन करने के लिए निर्देश दिया गया है, कहीं पर भी अगर गैप आया होगा तो उसको आप हमको बता रहे हैं, हम व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसको ठीक करा देंगे। अमर जी जी एक जो लंबे समय से बात चली आ रही है बारदाने की, सभी जगह राज्यों की स्थितियां होती है, आप लोगों ने 4 लाख से ज्यादा गठान मांगी थी, बाद में केंद्र सरकार ने ऐसा बताया गया कि 3 लाख देने का वादा किया था आपको, लेकिन दिया 1,45,000 ही गठान है, ऐसी स्थिति में जो डिफरेंस है इसको कैसे आप पूरा कर रहे हैं? देखिए इस समय प्रदेश में सबसे बड़ा जो काम है वो धान खरीदी का है जी, धान का कटोरा का पहचान है छत्तीसगढ़ प्रदेश का जी, यहाँ 21,45,000 किसानों ने पंजीयन कराया है, और 27 लाख हेक्टर से भी अधिक में इस समय जो पंजीयन हुआ है, तो बड़े पैमाने पे धान खरीदी होना है, बम्पर यहाँ पर पैदावार हुआ है जी।
हमने जो केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि हमारा जो आवश्यकता है प्रदेश का वो 4,75,000 गठान का है जी। आप कम से कम हमको 3.5 लाख गठान केंद्र से दीजिए जी। उन्होंने 3 लाख गठान देने की हामी भरी थी जी। लेकिन जब देने की बात आई तो 1,45,000 गठान मात्र दे रहे हैं जी। ऐसी स्थिति में प्रदेश के सामने एक बड़ा दिक्कत आया था जी। कि हम धान खरीदी किस प्रकार से करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देशित किया कि इस गैप को ठीक किया जाए और पुराने बारदाने इकट्ठा किया जाए। तो हमने जो पुराना बारदाना है उसको इकट्ठा करना शुरू किया, मिलर्स से 2 लाख गठान और पीडीएस से 1 लाख गठान, और जो गैप है वो 70,000 गठान जो है हम एचडीपी जो प्लास्टिक के बैग होते हैं उससे पूरा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने जो राज्य के सामने एक दिक्कत था उसको दूर करने के लिए प्रयास किया है और किसानों को किसी प्रकार का दिक्कत न हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अंतिम सवाल हमारा, जैसे चुन्नीलाल जी आप नहीं थे, उन्होंने कहा था कि जो धान खरीदी की सीमा है उसको आपने घटा क्यों दी, 71 से 61 क्यों कर दी, 62। चुन्नीलाल जी यही सवाल था आपका? यही सवाल है, उसने रोका छेका कर दी है ना, रोका छेका शब्द का उपयोग कर रहे हैं जी। अमरजीत जी नहीं देखिए, रोका छेका उन लोगों के लिए है जो हमारा जो प्रयास है, हमारा जो योजना है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए है, ना कि अन्य प्रदेश के किसानों के लिए। छत्तीसगढ़ में उड़ीसा का धान, छत्तीसगढ़ में झारखंड का धान, छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र का धान, छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश का धान खपाने का बड़े पैमाने पर लोगों का जो कोशिश रहता है उसको रोकने के लिए इस प्रकार का निर्देश दिया गया है। और हमने ये व्यवस्था किया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को इसका लाभ मिले। हमने पहले से अधिक धान खरीदी केंद्र खोला है, लोगों को सहूलियत दिया है और किसानों को किसी प्रकार का दिक्कत न हो इसका पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। चलिए समय भी समाप्त हो गया। चुन्नीलाल जी आपके सारे सवालों का उत्तर मिल गया, अब देखते हैं इनके क्या पूरा होता है कि नहीं होता है। चलिए आपने पंजीयन की बात कही है, उन्होंने कहा पंजीयन जिनके रुक गए हैं किसी कारण नहीं हो पाए हैं उनका पंजीयन भी हो जाएगा, जहां टोकन नहीं मिला वहां टोकन भी मिल जाएगा, जितनी भी आपने बातें की। लेकिन यहां एक सवाल जो आपने कहा कि राज्य सरकार का काम है बारदाना की व्यवस्था करना, अभी तक तो मैंने जो सुना है वो केंद्र सरकार ही आवंटित करती रही, देती रही है। देखिए धान खरीदी जो नीति है उसके अनुसार जो भारत सरकार के जूट कमिश्नर है उनको मांग पत्र भेजा जाता है, मांग के अनुरूप वहां से आपूर्ति की जाती है जी। और हमने आवश्यकता के अनुसार मांग पत्र भेजा था और उसके अनुरूप हमको आपूर्ति नहीं हुआ, जो कमी हुई है उसको अन्य साधनों से हम पूरा कर रहे हैं। चलो समय भी समाप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी आपका, चुन्नीलाल जी आपका, सैनी जी आपका भी धन्यवाद। आपसे कोई टिप्पणी नहीं, चलते चलते आप टिप्पणी देना चाहे कुछ तो होने वाला है जी। तो एक किसान दिल्ली में अभी धरना दे रहे हैं और वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एमएसपी हट जाएगा इसी डर से कर रहे हैं, तो जब नया कानून आने के बाद में छत्तीसगढ़ में इस तरह से धान खरीदी हो रही है तो वो एमएसपी का तो डर खत्म हो जाना चाहिए और कांग्रेस को ये एक ऐसा एग्जाम्पल उनको बताना चाहिए कि इधर छत्तीसगढ़ में इतने प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं। तो वो एक तरह से मेरे ख्याल से जो धरना हो रहा है जो गलतफहमी है कि सरकार जो है एमएसपी हटा रही है, इनफैक्ट मेरे ख्याल से जो धान के जो मूल्य है वो भी बढ़ा दिए गए हैं, पहले जो खरीदते थे उससे काफी बड़ा है अभी धान का, तो एमएसपी हटने का सवाल ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इसी की हड़ताल चल रही है कि एमएसपी आपको मिनिमम प्राइस आप उसको घोषित कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद चुन्नीलाल जी, अमर जी आप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना संकट के बीच हो रही धान खरीदी को लेकर सरकार सचेत है, सरकार ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोके जाने के लिए केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने की हिदायत भी दी है, साथ ही खरीदी केंद्रों में सैनिटाइजर और मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। बीते साल हुई खरीदी में आई तकनीकी खामियों को ध्यान में रखकर सरकार अब की बार धान खरीदी कर रही है। इस साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी से खुद खरीदी की मॉनिटरिंग का जिम्मा उठाया है, मंत्रियों और अधिकारियों की भूमिका भी सुनिश्चित की गई है। इन सब के बावजूद खरीदी की प्रक्रिया के दौरान विपक्ष की नजर सरकार की खामी पर है। बहरहाल देखते हैं इस साल भूपेश सरकार कितने किसानों का कितना धान खरीदती है।
चले छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां नाम की राजनीति जोर पकड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश के बाद क्या मध्य प्रदेश में भी शहरों और स्थान, दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि प्रोटोम